अच्छा, अब ये नेक्स्ट हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 24.7, एप्लीकेशन ऑफ द एनर्जी बैलेंस टू हीटिंग अ बायोमास स्टीम एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड सैचुरेटेड दैट इज यूज्ड टू हीट अ फर्मेंटेशन ब्रॉथ एंटर्स द स्टीम चेस्ट ऑफ अ फर्मेंटर. द स्टीम चेस्ट इज सेग्रीगेटेड फ्रॉम द बायोमास इन द फर्मेंटर. Assume that the steam is completely condensed in the steam chest. The rate of the heat loss from the fermenter to the surroundings is 1.5 kilojoules per second. The material to be heated is placed in the fermenter at 20 degrees centigrade, and at the end of the heating, it is at 100 degrees centigrade. If the charge consists of 150 kg of material with an average heat capacity of Cp 3.26 joules per gram Kelvin, how many kilograms of steam are needed per kg of the charge? The charge remains in the vessel for 1 hour. अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने कोई ये डायग्राम बनाई हुई है. यहाँ पर इन्होंने एक फर्मेंटर बनाया हुआ है जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है. उसमें फर्मेंटेशन ब्रॉथ यानी कोई फर्मेंटेशन मटीरियल समझ लें आप. That is heat used to heat a fermentation broth enter the steam chest. अगर हम यहाँ पर ये एक fermenter लेते हैं, उसमें कोई steam chest लगा हुआ है. Steam chest means कोई जहाँ पे steam का process हो रहा है, ये जैसे diagram में आप देखें कि steam provide कर रहे हैं, इसके through heating हो रही है. कोई एक box है या कोई chest है separately इस fermenter के अंदर, जहाँ पर biomass जो है उसको heating कर रहे हैं. The steam chest is segregated from the biomass. This is लिखा हुआ उन्होंने segregated from the biomass in the fermenter. मतलब biomass से के साथ ये joint नहीं है, बल्कि ये separate कोई box है. इससे just heating जो है वो biomass को मिल रही है, heat up हो रहा है. अब ये कह रहा है कि assume that the steam is completely condensed in the steam chest. Steam जो है वो steam chest में condense हो रही है और completely condense in the steam chest. Steam enter हो रही है और जब enter हुई है तो उसने biomass को जब heat up किया है तो उसकी heating जो है वो latent heat जो यहाँ पर latent heat जो है वो provide की इसने और condense होके ये exit हो गया है. Steam जो exit हो गई यानी condense होने के बाद phase change हो गया, steam enter हुई और कंडेंसेट की फॉर्म में एग्जिट हो गई. अच्छा, अब कंडेंस इन द स्टीम चेस्ट. द रेट ऑफ द हीट लॉस फ्रॉम द फर्मेंटर टू द सराउंडिंग्स इज 1.5 किलो जूल्स पर सेकंड. इसका मतलब ये है कि ये एडियाबेटिक नहीं है, इंसुलेटेड नहीं है. तो हीट लॉस हो रहा है फर्मेंटर से सराउंडिंग में जो कि 1.5 किलो जूल्स पर सेकंड है. द मटीरियल टू बी हीटेड इज प्लेस इन द फर्मेंटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. फर्मेंटर का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है. जो मटीरियल इसमें जो मटीरियल जिसको हमने हीट अप करना है उस वक्त उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि फर्मेंटर में प्लेस्ड है. एंड एट द एंड ऑफ हीटिंग इट इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और हीट अप होने के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो 20 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. अच्छा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टीम एंटर हो रही है सैचुरेटेड यानी ये फेस कन्वर्ट हो जाएगा इसके, इसमें एंटर होने के बाद तो पीस का टेम्परेचर जो है 250 डिग्री सेंटीग्रेड कंडेंसेट का ही है, कंडेंसेट का यही टेम्परेचर है. यानी फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो रिमेन द सेम. इफ द चार्ज कंसिस्ट ऑफ 150 केजी ऑफ मटेरियल विद एन एवरेज हीट कैपेसिटी ऑफ, हीट कैपेसिटी दी हुई है इन्होंने 3.26 जूल्स पर ग्राम केल्विन, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्टीम्स आर नीडेड. अच्छा, हीट कैपेसिटी दी हुई है इन्होंने 150 केजी है जिसकी हीट कैपेसिटी 3.26 दी हुई है. अब वो कह रहा है कि कितना केजी स्टीम हमें चाहिए होगा पर केजी ऑफ द चार्ज. यानी 150 केजी टोटल मटेरियल जो है, टोटल चार्ज जो है वो इसमें प्लेस किया गया है जिसको हम हीट अप कर रहे हैं, और वो हमसे पूछ रहा है कि उसकी हीटिंग के लिए हमें
कितनी स्टीम चाहिए होगी जो कि पर केजी ऑफ द चार्ज हमें रिक्वायर्ड है, यानी एक केजी को कितना स्टीम रिक्वायर्ड है हीट अप करने के लिए। द चार्ज रिमेन्स इन द वेसल फॉर 1 आवर। और चार्ज, ये बैच प्रोसेस जो है, इसकी स्टेटमेंट से लग रहा है कि ये बैच प्रोसेस है, 1 आवर के लिए जो है ये इसमें प्लेस किया गया। अब ये डायग्राम में भी इन्होंने यही शो किया हुआ है, आप डायग्राम देखें, स्टीम चेस्ट बनाया हुआ है, सैचुरेटेड स्टीम एंटर हो रही है, ये हीटिंग कॉयल लगा हुआ है, हीटिंग कॉयल से नजर आ रहा है कि यहाँ पे हीटिंग का प्रोसेस हो रहा है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम एंटर हो रही है और 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंडेंसेट एग्जिट हो रहा है। सिस्टम बाउंड्रीज हमने डॉटेड लाइन से शो की हुई है, और क्यू जो है यानी हीट लॉस हो रहा है, चूंकि ये सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है इसलिए ये नेगेटिव है, साइन शो, नेगेटिव साइन शो किया हुआ है, जो कि 1.5 किलो जूल्स पर सेकेंड है। नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं। अच्छा, इस फिगर में, ये फिगर मैंने आपको क्लियर कर दी कि इसमें क्या इन्होंने शो किया हुआ है। डिफाइन द सिस्टम एंड शोज द नोन कंडीशंस इफ द सिस्टम इज द बायोमास प्लस द स्टीम चेस्ट। अच्छा, अगर हम सिस्टम कंसीडर करते हैं बायोमास और स्टीम चेस्ट, द प्रोसेस इज ओपन बट नॉट अ स्टेडी स्टेट। स्टेडी और अनस्टेडी स्टेट हमने पिछले लेक्चर्स में हमने इसको डिस्कस कर लिया था कि ओपन स्टेडी स्टेट और ओपन अनस्टेडी स्टेट जो है वो उसमें क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर इन्होंने यही मेंशन किया हुआ है कि प्रोसेस जो ओपन है लेकिन स्टेडी स्टेट नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर जो है बायोमास का इंक्रीज हो रहा है, जीरो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट सो दैट द प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आप लोगों को नहीं करवाया, इसकी कोई ऐसा जरूरत नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स अगर होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसमें हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, जिसमें हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, बेसिस जो हमने कैलकुलेशन की ली है वो 1 आवर ऑफ ऑपरेशन ली है फॉर 150 kg ऑफ द चार्ज। The steam is the only material entering and leaving the system and m1 is equals to m2. Mass जो है वो सिर्फ mass enter और exit हो रहा है, यानी mass जो है वो जितना enter हो रहा है उतना exit हो रहा है, so m1 is equals to m2 of the steam. Hence the material balance is simple. पहले हम material balance ले रहे हैं, तो material balance तो हमारे पास सिर्फ यही है कि material balance जो है वो mass enter और exit हो रहा है, जो कि m1 is equals to m2. अब हम energy balance की तरफ आते हैं। एनर्जी बैलेंस में हमारे पास एनर्जी बैलेंस की मेन इक्वेशन है, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डेल्टा एच प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनटू द मास। लेट अस सिंप्लीफाई द एनर्जी बैलेंस। द प्रोसेस इज नॉट इन द स्टेडी स्टेट, सो डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर स्टेडी स्टेट नहीं है तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी अगर हो रही है तो डेल्टा ई जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, कोई ना कोई इसकी वैल्यू होगी। अच्छा, उसके बाद है, वी कैन सेफली अज्यूम दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये हमने देख लिया था कि हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है जिस पे आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम इसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। और वैसे भी बैच प्रोसेस है ना, तो इसमें हाइट चेंज हो रही है और ना इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो ये दोनों चेंजेस जो हैं वो जीरो है। W is equals to zero because volume change नहीं हो रहा, no change in volume, तो work done भी zero हो गया। Change in kinetic energy and change in potential energy of entering and exiting the material are zero. अच्छा, जब हमने बात की थी कि इंटर्न जो energies system में मौजूद होती हैं उसमें भी change zero है,
चेंज नहीं आ रही। तो जो एग्जिट और एंटर हो रहा है मटेरियल, उसके साथ जो एनर्जीज एग्जिट और एंटर हो रही है उसमें भी चेंज नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है कि वेलोसिटी इनपुट और वेलोसिटी आउटपुट पर हम जीरो अज्यूम करते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इसलिए जीरो है कि यहाँ पर कोई इनपुट और आउटपुट पर कोई चेंज नहीं आ रही हाइट में। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी वो एक्यूमुलेशन ये डेल्टा ई, डेल्टा ई यकीनन यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो उसमें एग्जिस्ट करेगी, वो चेंज जीरो नहीं आ रही है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो यहाँ पर रहेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्यूमुलेटेड एनर्जीज में जीरो होगी, लेकिन एक्यूमुलेटेड एनर्जी में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो परसिस्ट करेगी। देयरफॉर डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू, जो यहाँ पे इक्वेशन में लिखा हुआ है। एंड डेल्टा यू हमें पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डेल्टा एच इंटू एम, क्योंकि जो मटीरियल के साथ एनर्जीज एंटर और एग्जिट हो रही हैं उसके अंदर भी जो एनर्जीज पोटेंशियल और काइनेटिक है उसकी चेंज भी जीरो है। तो अब हमारे पास सिर्फ रह जाता है एंथैल्पी चेंज जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जो डेल्टा एच से हमने शो किया हुआ है। तो और इस और हीट जो है, हाँ हीट जो है वो भी सराउंडिंग में जो है वो रिमूव हो रही है। इसका मतलब है कि जो जो चीज़ें हमारे पास रह जाती हैं वो डेल्टा यू फॉर द एक्यूमुलेटेड एनर्जीज फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड एनर्जीज इन द स्टीम चेस्ट एंड द रिमेनिंग एनर्जीज विद द फ्लो ऑफ मटीरियल आर क्यू एन माइनस डेल्टा एच। Where delta U can be calculated from just the change in the state of biomass and does not include the water in the steam chest, because we will assume that there was no water in the steam chest at the start of R and none in the steam chest at the end of the R. अच्छा, हम ये unsteady state process है, तो अनस्टेडी स्टेट का मतलब है कि ये टाइम डिपेंडेंट है। जब टाइम जीरो से स्टार्ट होकर टाइम वन आर तक हमने इसका टाइम इसको दिया है स्टीम चेस्ट में, तो अब ये कह रहा है कि मास ऑफ द वाटर जो है जिस वक्त स्टार्ट हुआ टाइम जीरो से लेके एक वन आर तक, उसके बाद ही कन्वर्ट हुआ वाटर, और वाटर इसमें रहा नहीं है स्टीम चेस्ट में। देयर इज वी विल अज्यूम दैट देयर वाज नो वाटर इन द स्टीम चेस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द आर एंड नन इन द स्टीम चेस्ट एट द एंड ऑफ द आर, यानी कंडेंसेट की फॉर्म में कोई भी वाटर जो है इसके अंदर नहीं रहा, वो एग्जिट हो गया है और ये कंप्लीटली हीट अप होने के बाद इसमें कोई भी वाटर या वाटर कॉन्टेंट इसमें मौजूद नहीं है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, लेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द बायोमास सीपी बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। इतना ज्यादा कौन टेम्परेचर हीट कैपेसिटी में चेंज नहीं आती, इसलिए हम इसको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं सीपी ऑफ बायोमास। देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द टर्म्स इन इक्वेशन बी। अच्छा, इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन बी दी हुई है, ये इक्वेशन बी दी हुई है यहाँ पर, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा एच इंटू एम। इस इक्वेशन में हम अब ये वैल्यूज जो हैं इनको हम रिप्लेस करेंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी वी इज इक्वल टू डेल्टा एच,
डेल्टा यू हमें मालूम है कि डेल्टा यू जो है वो एंथैल्पी माइनस फ्लो चेंज इन फ्लो एनर्जी होता है। और इसको हम अगर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा एच को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने छोटी सी एक्सप्लेनेशन की थी एंथैल्पी चेंज की, उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था हीट कैपेसिटी जो है उसकी फॉर्म में हम डेल्टा एच ले सकते हैं। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। एम सी पी डेल्टा टी जो है हम एंथैल्पी चेंज ले रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट द डेल्टा पी वी फॉर द लिक्विड और सॉलिड चार्ज इज नेग्लिजिबल। इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसलिए डेल्टा पी भी जो है वो नेग्लिजिबल है। अब यहाँ पर हमने डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच ले लिया। डेल्टा एच इज इक्वल टू एम। एम हमारे पास बायोमास के लिए 150 किलोग्राम है, 3.26 किलो जूल हमारे पास ये हीट कैपेसिटी है, एंड डेल्टा टी की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलविन में ली हुई है। तो डेल्टा यू हमारे पास आ गया 39,120 किलो जूल। हीट लॉस जो है वो गिवन है, जो के -1.50 किलो जूल्स पर सेकेंड है। 1 आवर का प्रोसेस था, तो हमने इसको आवर में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास ये आ गया -5,400 किलो जूल्स। अच्छा, अब ये इन्होंने स्टीम टेबल यहाँ पर यूज की, ये डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। द स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज फॉर द स्टीम इफ द चेंजेस कंसिस्ट ओनली ऑफ द डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टीम टेबल्स। अब ये यहाँ पर कैलकुलेशन डेल्टा एच वेपर ऑफ द सैचुरेटेड स्टीम 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा एच वेपर फॉर्म में उसकी जो एंथैल्पी है वो 1701 किलो जूल्स पर केजी होगी स्टीम टेबल में। ये इन्होंने खुद इन्होंने वैल्यू दे दी है, क्योंकि ये इन्होंने कहा है कि हम ये स्टीम टेबल से इन्होंने ली है वैल्यू -1701 किलो जूल्स पर केजी। सो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन बी। अब ये वैल्यूज आपने इक्वेशन बी में डाल देनी है, पीछे जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है। और उसके बाद आपके पास फ्रॉम विच द किलोग्राम्स ऑफ स्टीम पर आर कैन बी कैलकुलेटेड। ये इक्वेशन बी दी हुई है। इक्वेशन बी के अंदर ये तमाम जो वैल्यूज हमने ली हैं ये हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे इसकी। सो 39,120 किलो जूल्स। अब इक्वेशन बी में हम देख लेते हैं डेल्टा यू। डेल्टा यू जो है वो हमने कैलकुलेट किया 39,120 किलो जूल्स, तो यहाँ हमने डेल्टा यू की जगह रख दिया इसको। हीट लॉस हमारे पास है -5,400 किलो जूल्स, वो हमने क्यू की जगह रख दिया। माइनस डेल्टा एच एम, ये हमने टेबल से कैलकुलेट की थी वैल्यू, तो ये हमने इसकी वैल्यू की जगह रख दी। अब इसको रीअरेंज किया हुआ इन्होंने जस्ट। और मास ऑफ द स्टीम केजी जो है ये अननोन है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हमने इसको इधर किया, इसको साइड चेंज की, जो भी किया हमने मास ऑफ स्टीम यहाँ से निकाल दिया। मास ऑफ स्टीम निकालने के बाद इसको हमने इसको 226.17 किलोग्राम ऑफ स्टीम हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। ये जस्ट कैलकुलेशंस है। मैं समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? कुछ भी समझ नहीं आया? कौन स्टेप बी, सा? बस जो स्टेप बी है ना वो समझ नहीं आया।
एक सेकंड, ये वाला इक्वेशन बी, जी मिस, ये वाली इक्वेशन बी, ये कैसे फॉर्म हुई है ये समझ में नहीं आया? इसके बाद से। अच्छा, इसके बाद से समझ में नहीं आया। क्या आप हैं कौन? रोल नंबर 34। अच्छा ठीक है, ये इसके बाद से समझ में नहीं आया, इसके बाद से तो अच्छा, फिर से समझा देती हूँ। ये इक्वेशन समझ आ गई कैसे बनी थी? Yes, miss. अच्छा, हम यहाँ पे डेल्टा यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वेयर डेल्टा यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम जस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द बायोमास एंड डज नॉट इंक्लूड द वाटर इन द स्टीम चेस्ट बिकॉज वी विल अज्यूम दैट देयर वाज नो, मैंने जो आपको बताया ना, क्योंकि हम वाटर अज्यूम कर रहे हैं हम। अच्छा, डेल्टा यू जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बायोमास की स्टेट में चेंज से, लेकिन उसकी स्टेट तो चेंज नहीं हो रही और उसके वाटर कंटेंट जो है वो स्टीम चेस्ट में नहीं है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। बिकॉज वी विल अज्यूम दैट देयर वाज नो वाटर इन द स्टीम चेस्ट एंड एट द स्टार्ट ऑफ द आर एंड नन इन द स्टीम चेस्ट एट द एंड ऑफ द आर। अच्छा, स्टेट ऑफ बायोमास का मतलब ये है कि बायोमास में अगर वाटर होता तो उसकी स्टेट में चेंज आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर स्टेट में चेंज नहीं आ रही क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वाटर जो है वो ना उसके स्टार्ट में मौजूद था और ना एंड में मौजूद है, तो बायोमास को जस्ट हीट प्रोवाइड की जा रही है, उसके स्टेट में चेंज नहीं आ रही है। अब डेल्टा यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेम्परेचर चेंज से हम कैलकुलेट करेंगे, स्टीम चेस्ट एट द एंड ऑफ द आर। So you could alternately assume the mass of the water in the steam chest and its state were the same. वही बात जो मैंने अभी आपको रिपीट की थी कि उसकी स्टेट जो है उसमें चेंज नहीं आ रही, तो पानी जो है वो मौजूद नहीं है स्टार्ट में भी, जब टेम्परेचर, जब टाइम स्टार्ट हुआ जीरो से और जब टाइम एंड हुआ एक घंटे के बाद, तो वाटर उसमें नहीं था। अब बात हम करते हैं मटीरियल की, तो मटेरियल बैलेंस में हमने पहले इसको डिफाइन कर दिया था कि जितना मटेरियल एंटर हो रहा है उतना ही एक्सिट हो रहा है। एम वन इज इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू एम स्टीम, स्टीम जो है वो जितनी एंटर हो रही है उतनी ही कंडेंसेट की फॉर्म में एग्जिट हो रही है। बी द मास ऑफ द स्टीम दैट गोज थ्रू द स्टीम चेस्ट इन वन आवर, लेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द बायोमास। अब बायोमास की हीट कैपेसिटी उन्होंने दी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये कांस्टेंट है क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आ रही टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है कि ये हीट कैपेसिटी इसकी चेंज हो सके, वो भी हमने सेम, ये हमने अजम्पशंस की हैं सारी कि हम जब इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अज्यूम्ड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अज्यूम्ड हैं। एक तो ये है कि बायोमास की स्टेट में चेंज नहीं आ रही, उसकी स्टेट सेम है। सेकेंड, उसकी जो वाटर कंटेंट है उसके अंदर वो जीरो है, वाटर कंटेंट इन और इनपुट और आउटपुट पर दोनों में, जो स्टार्ट हुआ प्रोसेस और जो एंड हुआ प्रोसेस उस पर वाटर कंटेंट जीरो है। अब इन्होंने ये कहा है कि जो हमें मास कैलकुलेट करना है स्टीम का, तो जितना मास स्टीम का एंटर हो रहा है उतना ही एग्जिट हो रहा है, और एग्जिट कैसे हो रहा है कंडेंसेट की फॉर्म में आफ्टर वन आवर। अच्छा, फिर हमने क्या अज्यूम किया कि इसकी जो हीट कैपेसिटी बायोमास की है वो चेंज नहीं हो रही टेम्परेचर के साथ, क्योंकि इसका टेम्परेचर में बहुत सफिशेंटली इतना इनफ चेंज नहीं है कि ये बायोमास का जो हीट कैपेसिटी वो चेंज आ सके। अब हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टेट चेंज नहीं हो रही बायोमास की, तो डेल्टा यू जो हम उससे कैलकुलेट कर सकते थे, अब उससे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू एंथैल्पी की जो इक्वेशन हमने ली थी, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी वी, इस इक्वेशन से हम डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरनल एनर्जी हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरनल एनर्जी हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारे पास, हमने बात की थी कि ये इसमें ये अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस है, टाइम डिपेंडेंट है, तो इसमें एनर्जी चेंज आ रही है, जो एक्यूमुलेटेड एनर्जीज है जो कि डेल्टा ई से हम शो कर रहे हैं। एक्यूमुलेटेड एनर्जीज में इंटरनल एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज आती है। लास्ट असम्पशंस में हमने ये कहा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो है वो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो
काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं आ सकती क्योंकि वेलोसिटी हम जीरो ले रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज इसलिए नहीं आ सकती कि उसका हाइट चेंज नहीं हो रहा। तो अब एक हमारे पास सिर्फ डेल्टा यू रह जाता है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो डेल्टा यू है ये एक्यूमुलेटेड एनर्जीज में से डेल्टा यू हमारे पास रह गया, और हमें ये मालूम है कि डेल्टा यू जो होता है वो बराबर होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी वी। ये हम पहले इक्वेशंस जो है सारी ड्राइव कर चुके हैं जब हमने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशंस वगैरह हमने पढ़ी थी, और एंथैल्पी की उसमें हमने ये ड्राइव कर लिया था कि डेल्टा यू जो है वो डेल्टा एच माइनस डेल्टा पी वी के इक्वल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा पी वी जो है उसका टर्म भी जीरो हो गया। जब डेल्टा पी वी का टर्म जीरो हो गया तो जीरो हो गया, या हम इसको नेग्लिजिबल कर भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच रह गया। अच्छा, डेल्टा एच को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? डेल्टा एच की डेफिनेशन हमें मालूम है कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। ये भी हम पहले जब हमने डेफिनेशन एंथैल्पी की थी उसमें हम तब ये भी कर चुके हैं कि डेल्टा एच को हम एम सी पी डेल्टा टी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच, एंड डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू एम सी पी डेल्टा टी। अब इस इक्वेशंस में एम सी पी डेल्टा टी में हम वैल्यूज इसकी पुट करें जो हम ये सामने हमारे पास मौजूद हैं। मास हमारे पास कितना था? बायोमास मास था 150 केजी। सीपी हमारे पास गिवन है, मास गिवन है, डेल्टा टी हमने निकाल लिया क्योंकि हमारे पास इनपुट और एग्जिट टेम्परेचर दिया हुआ है, उसको हमने केल्विन में लेकर हमने ये टेम्परेचर ले लिया। तो हमारे पास जो डेल्टा यू आ गया वो 39,120 किलो जूल्स आ गया। डेल्टा यू हमने कैसे कैलकुलेट किया? डेल्टा यू हमने एंथैल्पी की जो इक्वेशन है उससे हमने डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया जी? 34 रोल नंबर सो गई जी? मैं समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आगे चलूं? अच्छा, अब ये जो हीट लॉस दिया हुआ है, हीट लॉस जो वो गिवन है, यानी ये इंसुलेटेड नहीं है प्रोसेस, इसके अंदर जो हीट है वो है सिस्टम से सराउंडिंग में मूव कर रही है। जब सिस्टम से सराउंडिंग में मूव कर रही है तो उन्होंने वो हीट लॉस की वैल्यू दी हुई है क्यू इज इक्वल टू माइनस 1.50 किलो जूल्स पर सेकेंड। और इसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं आर में, क्योंकि 1 आवर का प्रोसेस था तो हमारे पास जो है वो क्यू को इन्होंने किलो जूल्स पर सेकेंड को आर में कन्वर्ट किया, तो किलो जूल्स माइनस 5400 किलो जूल्स हमारे पास जो पर आर इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, पार्ट सी में स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज फॉर द स्टीम इफ द चेंजेस कंसिस्ट ओनली ऑफ द डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन। स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी पर यूनिट मास जो चेंज आ रहा है, द स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज फॉर द स्टीम, स्टीम में एंथैल्पी चेंज हो रही है क्योंकि इसमें फेज चेंज हो रहा है। इफ द चेंजेस कंसिस्ट ओनली ऑफ द डेल्टा एच ऑफ कंडेंसेशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टीम टेबल्स। स्टीम टेबल में डेल्टा एच ऑफ वेपर, स्टीम टेबल मैंने आप लोगों को पहले बताई थी लास्ट लेक्चर्स में, स्टीम टेबल्स में टेम्परेचर दिया हुआ है और टेम्परेचर के सामने एंथैल्पी चेंज दी हुई है जो वेपर की फॉर्म में दी हुई है, यानी वेपर जो है वो फेज चेंज हो रहा है, जो कंडेंसेट की फॉर्म में चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, वेपर से कंडेंस हो रहा है। तो स्टीम टेबल्स में सिंपली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा एच देख रहे हैं जो कि इन्होंने खुद ही गिवन कर दिया है, माइनस 1701 किलो जूल्स पर केजी है। और जहां तक मुझे मेरा ख्याल है ये इंटरपोलेशन के बाद ये वैल्यू आई है क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू स्टीम टेबल में मेंशन नहीं है, इसके ऊपर कोई वैल्यू होगी और इसके नीचे कोई वैल्यू होगी, उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट की है। एनी हाउ इन्होंने खुद ही गिवन कर दिया है तो हमें इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने वैल्यू दे दी है माइनस 1701 किलो जूल्स पर केजी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड
फ्रॉम द स्टीम टेबल. सो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं. जब सारी वैल्यूज आ गई तो मेन इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? मेन इक्वेशन हमारे पास थी इक्वेशन नंबर बी, जो हमने अजम्पशंस के बाद इक्वेशन फॉर्म की है. तो ये अब इस इक्वेशन में एक एक करके हम वैल्यूज रखते जाएंगे. सबसे पहले हमारे पास डेल्टा यू है. डेल्टा यू हमें मालूम था कि हमने 39,120 किलो जूल्स कैलकुलेट किया था, तो यहाँ हमने डेल्टा यू की जगह 39,120 रख दिया. ये यहाँ पर इन्होंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी 39,120. नेक्स्ट है क्यू माइनस डेल्टा एच इंटू एम. क्यू की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 5400 किलो जूल्स. तो क्यू की जगह यहाँ पे 5400 किलो जूल्स लिख दिया. अच्छा, ये साइन जो है, ये साइन हम बाद में बैलेंस करते हैं, पहले हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख दें. अच्छा, इसको इन्होंने अरेंज कर दिया है. अरेंज कैसे कर दिया? क्यू को ये एंड में ले गए हैं. माइनस डेल्टा एच इंटू एम. जस्ट इन्होंने अरेंज कर दिए वैल्यू और कुछ नहीं किया. और यहाँ पर इन्होंने डेल्टा एच की वैल्यू डाल दी है कि जो कि -1701 है किलो जूल्स पर केजी स्टीम. तो यहाँ पे इन्होंने ये बस सिर्फ कैलकुलेशंस की हुई हैं आगे मास निकालने के लिए. मास इन्होंने यहाँ से निकाल लिया, सेपरेट कर लिया, बाकी कैलकुलेट कर लिया. कैलकुलेट करके मास हमारे पास आ गया 26.17 किलोग्राम ऑफ स्टीम. ये कैलकुलेशंस आपको खुद करनी होंगी, जैसे आप लोग पहले करते रहे हैं. या फिर मैं इसको पहले की तरह से इसको कैलकुलेट करके मैं शाम्स को जो है वो मैसेज कर दूंगी, तो फिर आप लोगों को ये मैसेज ये मिल जाएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. बस ये जस्ट कैलकुलेशन है, जिसके बाद हमने 0.174 केजी स्टीम पर केजी ऑफ द चार्ज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया. जी समझ आ गया? 34 जाग जाओ भाई. मिस समझ आ गया, लेकिन ये माइनस साइन कैसे आया? कौन सा वाला माइनस 5400 वाला? नहीं मैं, जब हमने पुट की ना सारी वैल्यूज, तो ये एक्स्ट्रा एक माइनस साइन कैसे आया? कहाँ है एक्स्ट्रा माइनस साइन? ये बाहर लगा हुआ है, जो बाहर लगा हुआ है माइनस ब्रैकेट माइनस 170. जी जी हाँ, तो ये इक्वेशन आप देखें ना, इक्वेशन में देखें ना, इक्वेशन नंबर बी में ये है ना माइनस डेल्टा एच एम. मैंने आपसे कहा ना इसको रीअरेंज कर लिया ना, क्यू को दूसरी साइड पर ले गए हैं. नहीं समझ आया? यहाँ पर इन्होंने ठीक है, ये माइनस इन्होंने पहले कर दिया है. अभी तो मैंने रिपीट किया ना कि इन्होंने रीअरेंज कर दिया है. ये एंथैल्पी की जो टर्म है ये पहले ले गए हैं, और क्यू को ठोक के इन्होंने बाद में कर दिया है, और क्यू का साइन चेंज कर दिया, क्योंकि क्यू का साइन चेंज हो रहा है, क्योंकि क्यू जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है. थैंक यू मिस. Excuse me, miss.
क्लास एंड हो गई है, मैं कह रही है चल जाए।